कल शादी का माहौल था और उसमें इनविटेशन मिला था तो उसमें मैं गया था। नहीं तो उसमें बहुत दिनों के बाद आप माता जी से मुलाकात हुई, सब परिवार एक जुट एक जगह मुलाकात, तो क्या कुछ आपकी समस्या का समाधान हुआ? अभी जो मेन समस्या है 19-20 का चुनाव है कि कैसे नौजवानों को लेकर के चलना है और अपना पुनः राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाने का काम करना है, तो उसके लिए पूरा छात्र सब नौजवान सब लड़का लोग पूरा तत्पर था कि भैया एक बार आप लोग आपको आना है। ट्विटर के जरिए फेसबुक के जरिए तमाम लोग जुड़ा हमसे, बहुत लोग मैसेज कर रहा था कि 19-20 का भाई आप नहीं रहिएगा तो कैसे चुनाव होगा, कृष्ण नहीं रहेंगे तो अर्जुन को कैसे देखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ आज से पार्टी कार्यालय से शुभारंभ कर रहे हैं और यहाँ से तमाम जगह घूमने का काम करेंगे। लेकिन जो महाभारत मचा हुआ है अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे ना। उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग पार्टी में महागठबंधन में शामिल कराएंगे? जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें होंगे वो आएंगी पार्टी में। अच्छा तेजप्रताप जी, तमाम जो आना चाहेंगे पार्टी के लिए दरवाजा खुला है वो आए। तेजप्रताप जी, आप संगठन में अपने लोगों के लिए लड़ते रहे, पूर्वी जी ने कमेटी गठित किया, आप कितने लोग आए? कौन मेरे? तमाम मेरे ही लोग हैं यार, मोबाइल आ रहा है यार, सब हमारे ही लोग हैं जो आए हैं। सीट को लेकर आपकी क्या भूमिका होगी टिकट बांटने और इस समय? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको हम बोलेंगे, विनती करेंगे उनसे कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को महिलाओं को दिया जाए, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को दिया जाए ताकि सीट जीत करके आए। कितने परसेंट महिलाओं को दें? अब जितना परसेंट महिला लोग रहेगी सब लोग को दिया जाएगा टिकट, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा महिलाओं को, पुरुषों को, नौजवानों को। तेज प्रताप यादव से तो उम्मीद रख रहा तभी ना हम आ गए यहाँ। वृंदावन घूमेंगे तो कैसे चुनाव पार लगेगा? का है श्री कृष्ण भगवान का हमारा यदुवंश का नगरी है, वहीं से लड़ाई लड़े इतना बड़ा महाभारत जाकर के कुरुक्षेत्र में सुदर्शन चक्र चला है, कुरुक्षेत्र अभी जो कुरुक्षेत्र है ये बिहार है, बिहार है कुरुक्षेत्र, यहीं से अभी सुदर्शन चक्र चलेगा। क्या बोल रहे हैं इतना जी? आप कहते रहे हमेशा से कि आप सारथी की भूमिका में रहेंगे, कृष्ण की भूमिका में रहेंगे आपके अर्जुन के साथ, लेकिन बीच मझधार में आप छोड़ के चल गए। आप कयास ये लोग लगा रहे हैं कि आप पार्टी से दूर हो गए एक तरह से। हम पार्टी से दूर नहीं हुए, हम वरदान लेने के लिए गए थे श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण भगवान जी सुदर्शन चक्र दे दिए हैं कि जो तुमको कमजोर करेगा उसको चला जाए। नहीं नहीं, आपकी आपत्ति थी पार्टी में, कुछ लोग ऐसे हैं, क्या वो आपत्ति दूर हुई आपकी? हम अपना काम करने लगेंगे ऐसे ही सब छिटा जाएगा। आज से बिगुल फुका गया है, ठीक है, लगातार रहेंगे बिहार में, लगातार रहेंगे बिहार में, क्या लगातार रहेंगे बिहार में? लगातार हमारा कार्यक्रम पूरा बिहार में लगेगा, सब जगह लगाने का काम करेंगे। अरे बिगुल आप किसके खिलाफ होंगे? अरे के है लड़ाई में आ गए, आरएसएस है, आरएसएस से लड़ाई है हमारा, मोहन भागवत जी से लड़ाई है।